उत्तर प्रदेश के बदायूं से आ रही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। गंगा स्नान व सवे बारात पर प्रशासन हुआ सख्त, सोशल डिस्टेंस को लेकर पुलिस पसोपेश। कई जगह पुलिस पर बरसाए गए फूल। यूपी के बदायूं में कोरोना के खतरे को भांप जिला प्रशासन अब और सख्त हो गया है। आज कई जगह पुलिस ने नागरिकों से सोशल डिस्टेंस का पालन करने और अनावश्यक बाहर निकलने की मुनादी की। बिलसी, उजानी, बिसौली, दातागंज, रमजानपुर आदि में लोगों ने पुलिस के कार्यों की प्रशंसा कर पुलिस कर्मियों पर फूल बरसाए। वहीं सहनवान में कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने पर इलाके को सील कर दिया गया है और प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। बिलसी नगर के मोहल्ला संख्या 8 साहबगंज स्थित कोठी वाली मस्जिद रोड पर थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार अपने पुलिस फोर्स के साथ पैदल गश्त कर रहे थे। इसी बीच छत पर खड़े लोगों ने उन पर फूल बरसाए और उन्हें इस महामारी के बीच ईमानदारी से फर्ज निभाने पर बधाई दी। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच पुलिस की लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है। वहीं लोग कई तरीके की बातें कर रहे हैं। एक तरफ पुलिस प्रशासन लॉकडाउन को अमल में लाने के लिए लोगों से अपील कर रही है, कार्रवाई कर रही है, वहीं लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। बताते चले कि लोग पुलिस प्रशासन का भरपूर समर्थन कर रहे हैं, साथ ही कोरोना वायरस के बीच ईमानदारी से फर्ज निभा रहे योद्धाओं का पुष्प वर्षा कर स्वागत कर रहे हैं। इसी बीच थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और लोगों से अपील करते हुए कहा कि आने वाले सभी पर्व अपने घर पर मनाएं, साथ ही सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखें। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि सभी लोग अपने अपने घरों में और सोशल डिस्टेंस बना करके अपना त्योहार मनाएं, कहीं भी भीड़ भाड़ इकट्ठी ना करें। सभी लोग अपने अपने घर में मनाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, पूरा बिलसी सज जाएगा और सभी लोग थोड़ी दूरी बना करके भीड़ भाड़ ना करें, क्योंकि ये बीमारी छुआछूत की बीमारी है, छूने से बहुत तेजी से फैलती है। तो सभी लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये जो सवे बारात का त्योहार है अपने घर पे मनाएं, भीड़ भाड़ ना करें और घर को सजाएं खूब अच्छी तरह से। ठीक है।